नियोजित टीचरों के लिए जिस तरीके से कैबिनेट में फैसला हुआ, क्या कहेंगे इस पर? अरे तो हम लोग तो जानी रहे, हम लोग तो इसी पक्ष के हैं कि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा सम्मान हम लोग दें, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, शिक्षक उपलब्ध हो, इस पे खास तौर पे हम लोगों का ध्यान रहा है। और इतनी बड़ी बहाली हो रही है पैमाने पे, अब तो दूसरा चरण का रिजल्ट भी जो है वो भी आ ही गया है, और आज जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया, लगभग 4.5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है हम लोग मौका दे रहे हैं कि भाई राजकीय कर्मी का जो दर्जा हम लोगों ने दिया है, और एक मिनिमम टेस्ट के बाद जो करेंगे उन सब लोगों को मिलेगा। बहुत दिनों से इन लोगों की मांग थी, कितना? हाँ, एकदम 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 मांग भी थी, बहुत लोग जो है सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे थे, हम लोग भी पहले आवाज उठाते थे। तो भाई बताइए, अभी 14 महीना के अंदर ही हम लोग की सरकार, जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है, इस काम को हम लोगों ने पूरा किया है। तो जो भी कमिटमेंट हम लोगों ने किया, चाहे नौकरी का हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का हो, सारी कमिटमेंट्स को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं, चाहे कास्ट सेंसस का हो, तो उस हिसाब से सब काम हो रहा है। इधर आप ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं, इधर जो है कहा जा रहा है कि सरकार गिर रही है, तो एलिजिबल नहीं है आप लोग के महागठबंधन में, कई तरह के बयान आ रहे हैं कि आप देश में नहीं रहेंगे। कोई फर्क पड़ता है? लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना, कुछ चैनल है, कुछ एंकर ऐसे है जो उस मानसिकता के है, उन लोगों को अनपच रहता है इस बात को लेकर के कि भाई सारा काम कर रही है सरकार, इतना स्मूथली सरकार चल रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ला रही है, लोगों का कल्याण भी कर रही है, नौकरियां भी दे रही है, अब शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल भी पहुंच रहे हैं, सारा काम हो रहा है। सर, जो कल तक एनडीए के नेता नीतीश जी को क्रिटिसाइज करते थे, आपका क्रिटिसाइज करते, आज जो नीतीश जी को ऑफर देने लगे हैं, क्या क्या वजह है? कल तक जो कुशासन की बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार बेकार हो गए, महागठबंधन में चले गए, वो बोलने के अगर आ जाए, एक बात समझिए, कौन क्या बोलता है, कोई अथॉरिटी है? जो भी लोग बयान देते हैं वो लोग अथॉरिटी है क्या? तो ये सब बेकार की बात है। हाँ, एक हेल्थ का आपने मिशन बुनियाद का आपने रखा है, इससे पहले मिशन 60 था, क्या है मिशन बुनियाद? नहीं, मिशन बुनियाद जितने पीएचसीज वगैरह है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, वहाँ दवा उपलब्ध हो, सब कुछ जो है, जो गाइडलाइंस है, मानव बल उसी हिसाब से हो, इक्विपमेंट्स हो, जांच की सामग्री हो, ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए, और कई जगह नहीं है तो जमीन जहाँ अवेलेबल है वहाँ हम लोग बना रहे हैं। इसमें भी आप, मैंने देखा कि आपने ज्वाइनिंग अभी कुछ डॉक्टरों को दे रहे थे, क्या आगे क्या और भी आने वाले हैं? हाँ, तो समान प्रक्रिया है, वो तो चलता रहता है।